तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की जानिब और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक वीडियो पड़ी हुई है और इसमें ऑडियो भी मौजूद है और ये मेरे नाम से मौजूद है, हाशिम जा तैमूरी के नाम से, और साथ ही यह है VLC प्लेयर। तो पहले चलते हैं और देखते हैं, वीडियो के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं और इसका मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ और इसका साउंड भी दिखाता हूँ। तो आपने नोट किया होगा कि इसके अंदर से आवाज़ आई, आपको साउंड मिला। तो अब हमने करना क्या है कि हमने इसमें से साउंड को ख़त्म करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे VLC मीडिया प्लेयर के अंदर, इसको हम करेंगे ओपन। और यहाँ पर एक जगह देखिएगा आप, मीडिया लिखा हुआ है और इसके ऊपर हमने क्लिक किया सेव एंड कन्वर्ट। गौर से देखिए फाइल के नाम क्लिक करके यहाँ पास आई है, ये फाइल है, यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन मीडिया। हमने इसके अंदर जाना है ऐड के ऊपर, हमने ऐड पे इस पर क्लिक किया तो हमारी जो वीडियो मौजूद है वो डेस्कटॉप पर मौजूद है और यहाँ सामने वीडियो का नाम भी लिखा हुआ है जो कि मेरे नाम से है। हमने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे कि नीचे स्क्रीन पर मेरा नाम भी लिखा हुआ गया है, इस वीडियो का नाम। हमने कर दिया इसको ओपन। ओपन करने के बाद अब हमने करना क्या है कि हमने इसको यहाँ एक जगह लिखा हुआ होगा सेव कन्वर्ट, हमने इसको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हमारे से कुछ ऑप्शन पूछ रहा है तो हमने सेटिंग पे देखिए अब लिखा होना चाहिए कन्वर्ट, कन्वर्ट लिखा तो ठीक है। उसके बाद हमने इस फाइल को क्या करना है, इसकी यहाँ पे सेटिंग लिखी है कि वीडियो H.264 प्लस MP3 MP4, इसकी सेटिंग को हमने ऐसे ही रहने देना है। और यहाँ पर देखिए ये एड सेलेक्टेड प्रोफाइल, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये वाली प्रोफाइल एडिशन की फाइल खुल जाएगी। तो यहाँ पर एक जगह आप देखिएगा तीसरे नंबर पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि ऑडियो कोडेक, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इसकी सेटिंग देखिएगा, यहाँ पर एक जगह ये देखिए चेक लगा हुआ है ऑडियो के ऊपर, आपने इस चेक को यहाँ से हटा देना है, ये जो साइन का निशान लगा हुआ है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिएगा आप ये तमाम चीज़ें जो हैं एकदम से मध्यम सी हो गई हैं, ये देखिए आप। तो इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जाके सेव के ऊपर इस पर आपने क्लिक कर देना है, ये सेव का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही देखिए कन्वर्ट की फ़ाइल खुल गई है हमारे सामने, इस फाइल का नाम भी आ गया है। और अब ये हमसे पूछ रहा है डेस्टिनेशन, यानी हमने इसको कहाँ पे रखना है, किस नाम से रखना है। तो हम जाएंगे और यहाँ पे इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर देंगे क्योंकि इस वीडियो का नाम मेरे नाम पे था तो उसका नाम था पूरा हाशिम जा तैमूरी, मैंने अब इसको कर दिया हाशिम 2 के नाम से। और हम इसको सेव कर देंगे और स्टार्ट कर देंगे तो ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी और ये अब कन्वर्ट हो गई है। तो हम इसको करते हैं यहाँ से बंद, इसको करता हूँ मैं रिफ़्रेश। तो देखिए यहाँ पे फ़ाइल का नाम लिखा हुआ गया है हाशिम या तैमूरी पहले से थी और ये हाशिम 2। अब हम हाशिम 2 पे जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे और चेक करेंगे। तो देखिए हमारी जो साउंड था इसमें से गायब हो चुका है। और आइए अब मैं आपको जो वीडियो है उसका साउंड सुनाता हूँ जिसमें साउंड मौजूद है। आपने नोट किया कि इसमें से तो साउंड की आवाज़ आ रही है और ये दूसरी वाली वीडियो जो हमने अभी डाली थी जिसके अंदर से मैंने साउंड कटा दिया था, ये देखिए इसके अंदर से साउंड तो जा चुका है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के बारे में पता चल गया होगा कि किस तरीके से हमने इसका साउंड को हटाना है और मैंने आपको दोनों वीडियो दिखा दिए हैं। मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ हाशिम जा तैमूरी, शुक्रिया।